जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। मैं कल्याण सिंह, भारत, द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में 1 अगस्त 2014 से 6 फरवरी 2020 तक मैं एक्सटेंशन लेक्चर के पद पर कार्यरत रहा। साथियों, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनको सबको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और मैं शैक्षणिक क्षेत्र में मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करना मेरा नैतिक धर्म है। और मैं उस कार्य को करते हुए बखूबी पिछले 6 वर्ष से द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे रहा था। साथियों, मैंने 4 फरवरी 2020 को जब द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य पूजा खुलर ने कॉलेज काउंसिल के सदस्यों के साथ मिलकर के महाविद्यालय में विभिन्न इमारतों का नाम जब वैज्ञानिकों, शैक्षिकों और शिक्षाविदों और महापुरुषों के नाम पर किया, तो मुझे लगा कि हमें भी यहाँ में इस महाविद्यालय में जो 2 बिल्डिंग बची हुई थी जिन पर किसी का, महापुरुष का या शिक्षाविद का या किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं था, तो मैंने 4 फरवरी 2020 को एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया और उस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से 50 लोगों के हस्ताक्षर सहित हमने मैडम पूजा खुल्लर और काउंसिल के सभी सदस्यों से यह मांग की कि द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुड़गांव में जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर किया जाए और 8 श्लोक का नाम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर सावित्री बाई फूले ब्लॉक किया जाए। तो साथियों, इस रिप्रेजेंटेशन को फाइल करने के 2 दिन पश्चात ही मैडम पूजा खुल्लर ने मुझे, जब मैं 5 मिनट लेट था, तो मैं ही नहीं था बल्कि रेगुलर फैकल्टी के भी 10 से 15 असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर भी लेट थे और 10 से 12 एक्सटेंशन लेक्चरर भी लेट थे। तो मैं 5 से 10 मिनट जब मैं लेट पहुंचा महाविद्यालय में, तो मैडम पूजा खुल्लर ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए और मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे नीचा दुखाने का कोशिश की, मेरे साथ जाति आधार पर भेदभाव किया। उस मामले में मैंने ज़्यादा वाद विवाद करना उचित नहीं समझा और मैं 3:35 तक महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देता रहा, क्योंकि 6 फरवरी को 69 एनुअल स्पोर्ट्स मीट था और उसमें मैंने अपनी सेवाएं दी। मैडम पूजा खुल्लर ने और कॉलेज के अंदर ही कुछ स्वर्ण जाति के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर ने मिलकर के एक तरफा आदेश देते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए, रात को 9:49 पर मेरी मेल पर, अनऑफिशियल टाइम पर, मुझे रिलीविंग के आदेश दे दिए, मुझे कार्यमुक्त कर दिया, जो कि मैडम पूजा खुल्लर के द्वारा तानाशाही रवैया था। मेरे साथ जाति आधार पर भेदभाव तो किया ही किया, लेकिन मेरी नौकरी भी मुझसे छीन ली। और इस नौकरी को छीनने के पश्चात जब मेरी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो मैंने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया और स्टे लेने का प्रयास किया, जो मुझे अभी स्टे नहीं मिला है। 13 तारीख की मेरे कोर्ट केस की हेयरिंग है और मेरी संभावना है कि मुझे वहाँ जो है स्टे मिलेगा। इसके साथ ही मैंने 7 फरवरी को उच्चतर शिक्षा विभाग में रिप्रेजेंटेशन फाइल किया। मैडम पूजा खुल्लर ने महाविद्यालय में बहुत सारे गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कार्य किए हुए थे। उन्होंने एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो जो कि एक्सटेंशन लेक्चरर लगने के लिए योग्य भी नहीं था, मैडम ने 13/7/2018 की हरियाणा सरकार की उच्चतर शिक्षा विभाग की जारी गाइडलाइन का उल्लंघन किया और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कि एक्सटेंशन लेक्चर लगने के योग्य भी नहीं था, उसको एक्सटेंशन लेक्चर लगाया और उन्होंने महाविद्यालय में 8 से 10 महीने काम किया। मैडम पूजा खुल्लर जब कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल काम कर रही थी, तो उन्होंने इस अंजाम को जो है मुकाम हासिल किया उन्होंने, और उन्होंने आरडी शर्मा जो एक एक्सटेंशन लेक्चर लगने के योग्य अब नहीं थे, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट रिटायर थे, उनको एक्सटेंशन लेक्चर लगाया। और जब हमारे एक साथी मिस्टर विकास विशाल कुमार यादव जब सेक्टर 9 गवर्नमेंट कॉलेज से डिस्प्लेस हुए, तो मैंने एक एक्सटेंशन लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मुझसे लोगों ने कहा कि विशाल कुमार की द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में
एडजस्टमेंट कराएं। तो मैंने मैडम पूजा कुलर के सामने ये बात रखी। मैडम पूजा कुलर काउंसिल के सदस्यों ने इस बात पर असहमति जताई, लेकिन विशाल कुमार यादव जो डिस्प्लेस एक्सटेंशन लेक्चरर था, जो एक बैकवर्ड क्लास से आता है, उसने माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से आदेश लेके आए, उच्चतर शिक्षा विभाग में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया। उच्चतर शिक्षा विभाग ने माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों को पालन करते हुए मैडम पूजा खुल्लर को आदेश दिए कि इनकी ज्वाइनिंग होए। तो मैडम पूजा खुल्लर ने तब 2 महीने तक विशाल कुमार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी जो है लटकाती रही मामले को, और उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं कराई। फिर 2 महीने बाद आरडी शर्मा को हटाया और फिर जो है उनकी ज्वाइनिंग हुई। इसी के साथ साथ मैडम पूजा खुल्लर ने जब द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सुहास का डेपुटेशन गवर्नमेंट कॉलेज नगीना में हुआ, तो वहां पे कार्यवाहक प्रिंसिपल मिस्टर एन के यादव थे। तो एन के यादव की बेटी, जो कि एन के यादव बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनकी बेटी वहां बतौर एक्सटेंशन लेक्चर कार्यरत थी। और अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में ही द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सुहास कुमार का जो है डेप्यूटेशन हुआ। और हरियाणा सरकार के 13-7 की गाइडलाइन ये थी कि यदि कोई किसी एक्सटेंशन लेक्चर के अगेंस्ट कोई डेप्यूटेशन ट्रांसफर आता है, तो एक्सटेंशन लेक्चर उस रेगुलर के, जहां रेगुलर के आने से जो सीट खाली हुई है, वहां पहुंच जाता है। तो मैडम पूजा कुलर ने भी मैम के यादव, जो एन के यादव की लड़की थी, जो वहां से डिस्प्लेस हुई थी ट्रांसफर से, डेप्यूटेशन से, उसको एडजस्ट नहीं किया। तो मैडम ने तानाशाही रवैया अपना के रखा मैडम पूजा कुलर ने, और इसी तानाशाही रवैये के आधार पर जो है बिना किसी परमिशन के महाविद्यालय में इमारतों के नाम बदले। और जब मैंने बाबा साहब माता सावित्रीबाई फुले के नाम से इमारतों का नाम रखने की मांग की, तो रंजिश रखते हुए मैडम पूजा खुल्लर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और जिसकी बाबत मैंने जाति आधार पर मेरे साथ भेदभाव भी किया, मेरी नौकरी भी छीन ली। और मैंने फिर जो है SC ST एक्ट के तहत एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करने के लिए 26 फरवरी को सिटी थाना गुड़गांव में अपनी शिकायत दी है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुड़गांव को अपनी शिकायत दी है, जिला उपायुक्त को दी है, और अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अपनी शिकायत दी है, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को मैंने अपनी शिकायत दी है, डायरेक्टर साहब को अपनी शिकायत दी है। तो इस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कार्रवाई को देखते हुए जो है मैंने 3 मार्च 2020 को DC ऑफिस गुड़गांव के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपूंगा, और मैडम पूजा खुल्लर के ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने और अपनी नौकरी बहाली के लिए ज्ञापन पत्र सौंपूंगा। सभी समाज के सभी साथियों से, सभी एक्सटेंशन लेक्चरर से, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और सामान्य वर्ग के जो भी मेरे सहयोगी साथी हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि 3 मार्च 2020 को 12 बजे DC ऑफिस गुड़गांव के सामने पहुंचे और मेरा सहयोग करें। आपका साथी कल्याण सिंह भारत आपके हेल्प की, आपके सहयोग की अपेक्षा करता है। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ आएंगे और मेरा सहयोग करेंगे। आप सबके सहयोग से DC साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा, आगे की रणनीति उसी दौरान जो है घोषित की जाएगी। आपका साथी कल्याण सिंह भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।